महंगाई, बेरोजगारी और बुनकरों की समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिलने की जिद पर अड़े रहे, जिसको लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी झड़प भी हुई। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ कोतवाली डीपी सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को मौके पर बुलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 चंद्र यादव जिंदाबाद, 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 बहावर हुसैन फांसी दो, फांसी दो, कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, कृषि बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे भाई एक पुलिस के बल मैडम चली, शांत बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, जल्दी नहीं चलेगी, जल्दी नहीं चलेगी। श्याम नारायण यादव, जिला अध्यक्ष, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गोरखपुर। आज हमारे उत्तर प्रदेश में अराजक तत्वों द्वारा हाथरस में बहन के साथ जो घिनौना अपराध हुआ, ऐसे घिनौना अपराध के खिलाफ उनको फांसी की मांग करती है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गोरखपुर। और किसान बिल वापस लेने के संदर्भ में छात्रों के न्याय पर, मुसलमानों के न्याय पर, नौजवानों के न्याय पर, हम लोगों की न्याय के लिए, लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा।